हाय गाइस, वेलकम टू केयर फिजियो। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं अष्टांग योग। योग शब्द का भाषा की अर्थ, आसन का मूल्य और आसन के लिए जरूरी सूचन। अष्टांग योग, योग के अनेक नाम हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत हुई है। जैसे कि हाथ, पैर, धड़, मस्तिष्क से हमारी बॉडी बनती है, वैसे ही आठ अंगों से अष्टांग योग बना है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने बताया है। उसके अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले पांच अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार अष्टांग योग के बहिर अंग है और धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांग योग के अंतरंग है। हम केयर फिजियो थ्रू आपको आसन और प्राणायाम के बारे में डीपली समझाएंगे और बाकी के अंगों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आसन और प्राणायाम के लिए जरूरी शब्द, पूरक यानी कि सांस को अंदर लेना, रेचक यानी कि सांस को बाहर निकालना, कुंभक यानी कि सांस को रोक के रखना। कुंभक के दो टाइप है, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक यानी कि पूरक करके सांस को होल्ड रखना, बाह्य कुंभक यानी कि रेचक करके सांस को होल्ड करके रखना। अगर आप आसन के लिए आपकी फिटनेस चेक करना चाहते हो तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो, उसके लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं। योग शब्द का भाषा की अर्थ, संस्कृत में युज धातु है, युज धातु में से योग शब्द बना हुआ है। योग का अर्थ होता है जोड़ान और मिलन। आसन का मूल्य, आसन से हमारा बॉडी और मन स्थितबद्ध होता है। आसन से हमारी बॉडी को स्फूर्ति मिलती है, तंदुरुस्त बनती है हमारी बॉडी और हैप्पीनेस और एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। आसन हर कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसको अपनी कैपेसिटी ध्यान में रख के आसन करना चाहिए। आसन के लिए जरूरी सूचन क्या है? सबसे पहले स्थान निर्जव, नीरव और एकांत और शांत होना चाहिए, जिससे वहाँ पे हवा की आवन जावन कम होनी चाहिए। ज़्यादा हवा की गति होनी जरूरी नहीं है। घर पे आप आसन कर रहे हो तो फैन और एसी बंद रख के आपको आसन करना चाहिए, यानी कि आपको अपने डोर और विंडोज़ खोल के आसन करना चाहिए, जिससे सफोकेशन आपको नहीं होगा। आसन करने के लिए आपको नरम गादी नहीं लेनी चाहिए, आपको मीडियम साइज़ की गादी लेनी चाहिए। आसन के लिए जरूरी क्लोथ, हल्के और स्वच्छ क्लीन क्लोथ आपको यूज़ करने हैं, जिससे आप बॉडी का पूरा हलन चलन अच्छी तरह से कर सकते हो। आसन करने से पहले आपको मल मूत्र का त्याग करके और अपना पेट पूरा खाली करके आसन करना चाहिए। नियमित आहार और नींद आसन के लिए बहुत जरूरी है। भोजन लेने के बाद आप 3 घंटे के बाद आसन कर सकते हो, ब्रेकफास्ट के बाद आप 1 घंटे के बाद आसन कर सकते हो और लिक्विड लेने के बाद आप 30 मिनट के बाद आसन कर सकते हो। 2 आसन के बीच 1 या 2 मिनट का रेस्ट लेना जरूरी है। आपको आसन के दौरान पसीना हो तो आप नेपकिन ले के उसको पूछ सकते हो। आसन के लिए आपको फोर्सफुली आसन करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे जितना हो उतना ही आप आसन कीजिए। नियमित आसन के अभ्यास से आप प्रोग्रेशन कर सकते हो। हर एक आसन के अलग अलग नियम होते हैं, उसी नियम को आप फॉलो करके हर एक आसन आपको करना जरूरी है, तभी जाके आपको उसका प्रॉपर फायदा मिलेगा। चित्र या पिक्चर देख के आपको आसन करने की ज़रूरत नहीं है। आसन के लिए आपको उसकी प्रॉपर टेक्निक जान के ही आपको आसन करना चाहिए। खास करके बहनों के लिए, उनके मासिक धर्म में 4 से 6 दिन तक वो लोग आसन नहीं कर सकते। गर्भावस्था में वो लोग किसी योग शिक्षक के अंडर में रह के ही आसन कर सकते हो। आसन करने के बाद 30 मिनट का रेस्ट लेके हुफाले पानी से आप स्नान करोगे, तभी आपको अच्छी तरह से स्फूर्ति और तंदुरुस्ती मिलेगी। आसन के सूचन में आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का जल्द से जल्द सॉल्यूशन देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हो और केयर फिजियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।